हेलो दोस्तों, टेक्नागा में आप लोगों का वेलकम है। और जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों से बात कर लूँ वायरलेस हैकिंग टूल्स के लिए, ठीक है ना। मैं कुछ ज़बरदस्त टूल्स दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। तो वायरलेस हैकिंग मीन्स वाईफाई हैकिंग, और मतलब ब्लूटूथ नेटवर्क में इंटरप्रेशन कर सकते हो आप, और मोबाइल नेटवर्क में भी कर सकते हो इनफैक्ट। पर ये मेन जो है इसका पर्पज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ, वाईफाई हैकिंग सबसे मेन, क्योंकि यही अभी कुछ ज़्यादा ही वो चल रहा है ना, तो इस करके। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है ये जो है, ये एयर क्रैक एनजी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ वाईफाई टूल के लिए, अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो, अगर विंडो यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, जो कभी आप अगर विंडो यूज करोगे तो इसमें आप लोगों को थोड़ा इतना कुछ इतना अपडेट वर्जन पर मैं बोल रहा हूँ काली लिनक्स यूज करना, उसके एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आप लोगों को एक बताने वाला हूँ, बीच में बताऊंगा, वीडियो देखते रहना, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वो सिर्फ वाईफाई के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ वाईफाई के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना कि ना वाईफाई अडेप्टर होना बहुत जरूरी है आप लोगों के पास। और दूसरी, एक वाईफाई अडेप्टर की मैं वीडियो अभी लिंक दे दूंगा लास्ट में जाते थे, वो देख लेना कि भाई वो लिंक क्या है और सबसे बेस्ट अडेप्टर कौन सा, और वाईफाई अडेप्टर खरीदना कैसे है, उसमें पैकेट इंजेक्शन मोड और मॉनिटर मोड दोनों होना चाहिए, कैसे खरीदना है वो आप लोगों में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये एयर क्रैक एनजी, ठीक है ना, ये सबसे पॉपुलर है ये सब, ये लाइनेक्स में आप लोग हिट लिस्ट में ही मिलेगा हमेशा, ठीक है ना। ये वाईफाई को ये एकदम उसके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है, उसको एक उसके पास एकदम मतलब सबसे जबरदस्त चीज है, ठीक है ना। वाईफाई पे एकदम एक जनरेट कर देगा वो एकदम, मतलब कि इसने इतने सारे यूजर्स जनरेट कर देगा, ये जबरदस्त है एयर क्रैक एनजी। दूसरा है, दूसरा दूसरा एयर एयर स्नॉट, वैसे इसको एयर नॉट बोलते हैं, ठीक है ना। पर अभी ये वाईफाई हैकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये सब पैकेट, ये जो वाईफाई में कभी आप लोगों ना ये चलाना वायर शार्क चलाना, तो इसमें पैकेट कैच कर सकते हो, जैसे आप लोगों की एक नेट जैसा, उसको टेस्टिंग करना अपने घर के वाईफाई में, ये नहीं कि सीधा पड़ोसी पे अटैक कर देना, ठीक है ना। कभी भी हमेशा ये बात रखना, नहीं तो ये गलत मामला हो जाता है ना। तो पहली बात तो ये एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप लोग इसका कोई गलत इस्तेमाल करते हो तो भाई जिम्मेवार, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैकेट इंजेक्शन, वहीं से पासवर्ड वगैरह सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पैकेट, जो पैकेट कैप्चरिंग से ही वो होता है, ठीक है ना। और ये किस्मेट और ये C++ में लिखा गया, ये TCP, ये कुछ प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर देता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये प्रोटोकॉल्स के बारे में भी, जब कभी आप वाईफाई चलाओगे तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कैन एंड एबल, ये सबसे, ये भी कुछ ज़्यादा ये पॉपुलर है, और ये मोस्ट पॉपुलर पता है किस चीज़ के लिए, कि मतलब ये तो सीधा पासवर्ड अटैक के लिए है, ठीक है ना। ये मतलब सीधा आपको इतना, मतलब कोई एक नेटवर्क में हम तो मैं चला रहे हूँ, आप चला रहे हो, यानी कि मेरे को ये भी देखना है कि भाई आप क्या चला रहे हो, उसे पैकेट इंजेक्शन बोलते हैं, यानी कि कैप्चरिंग पैकेट बोलते हैं, उसको मैं फाइंड करूंगा, उसी से पासवर्ड मैं रिट्रीव करूंगा, ये सब होता है। लेकिन ये सीधा पासवर्ड अटैक के लिए, ये कैन एबल है ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और स्निफ भी कर सकते, और ये काओ पैटी, ये कुछ ज्यादा ही फेमस है काओ पैटी में, वैसे सबसे टॉप पे एयर क्रैक एंजी लग रही है, काओ पैटी लोग चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा कमांड लाइन ही इसका इंटरफेस है, तो इसके लिए थोड़ी आपको दिक्कत भी हो सकती है, इसका कोई वो नहीं होएगा, ठीक है। तो ये ओमनी पीक है, एयर जैक है, वेब ट्रैक है, रिवर है, ये फर्न वाईफाई है ना, फर्न वाईफाई, ये पूरा का पूरा GUI मोड है, इसको चलाने में थोड़ा सा आपको मजा आएगा। ये मैंने चला भी रखा है, ये बहुत, और ये बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग टूल भी है ये आपको चलाने में, इसको ये खाली नेक्स्ट में आपको इनबिल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और WPA2 मतलब ये सिक्योरिटी का, ये WEP और WPA2, ये सिक्योरिटी, यानी कि जहाँ WPA2 मिलेगा, ये यानी कि मोर सिक्योर है, लेकिन उसको ये बाईपास कर देता है, मैन इन द मिडिल अटैक करता है, ये मैन इन द मिडिल, मतलब MITM का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ये आप सब लोग ये देखना, ये और ये देखो वाईफाई शार्क, सब वैसे ना मोस्ट ऑफ हैकर्स जो होते हैं उनका वाईफाई शार्क फेवरेट टूल है, सब मतलब सबका, ठीक है ना, फेवरेट टूल। तो अब जो मैं आप लोग बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि वाईफाई हैक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग, सिर्फ वो वाईफाई हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम मैं भी आप लोग को बताता हूँ, उसका नाम है वाईफाई स्लैक्स, ठीक है ना। इसका अपडेट आना बंद हो गया है, ये उसका ऑफिशियल साइट है, क्योंकि काल लिनक्स पे आज मतलब आजकल अमल आई जा रहा है। ये देखो ये वाईफाई, ये सबका सब, और हमेशा याद रखना एक अडेप्टर जरूर खरीद लो यार, वाईफाई अडेप्टर ना एक ही बार में कोई अच्छा सा खरीद लो, अल्फा कंपनी का, अल्फा, मैं एक वीडियो में अभी लास्ट में लिंक डालूंगा, कभी देखना आप, ठीक है। तो एक घर एक्सपेरिमेंटल रखो यार, मतलब जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाईफाई सिलेक्स है, तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, मैं इसके ऑफिशियल साइट थोड़ी आपको दिक्कत होगी, तो वाईफाई सिलेक्स डाउनलोड डाउनलोड फॉर विंडोज 10 है, वैसे ये आप लोगों को पता चल जाएगा चलाना कैसे, वो मैं चलाना भी सिखा दूंगा आप लोगों को फ्री यूटिलिटी। और सीधा यहाँ से सीधा इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेटेस्ट वर्जन ही होएगा, जो भी वर्जन होएगा, पर इसका अभी शायद 2019 में इसका आना बंद हो गया है, लेकिन अभी हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वर्जन है, क्योंकि वाईफाई, ठीक है। तो आप लोग करो थोड़ा एक्सपेरिमेंट अपने आप से भी किया करो, ठीक है ना। और अभी मैं लास्ट में थोड़ा लिंक देने वाला हूँ, ठीक है। तो
फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो, अच्छी लगी तो लाइक वरना डिसलाइक, ठीक है? थैंक यू।